हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल लगभग 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट किया और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इन फ्यूचर में आप लोगों से वादा करता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ इस चैनल पे। ओके, सो दिल से धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों का हो जाएगा, बट सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ही मेरे चैनल्स को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, जिसके वजह से आज मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा है। ठीक है, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों को। सो आज इस वीडियो में बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब की शुरुआत कैसे करी, क्या क्या चैलेंजेस आए, मेरे को कितना पैसा आया, फर्स्ट पेमेंट मेरे को कैसे आया, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। ओके, सो मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो बात है उन दिनों की जब लॉकडाउन हुआ था। आपको पता है लगभग 2020 के लमसम पूरा कोरोना आ चुका था, सब लोग अपने घर पे बैठे थे, किसी के पास कुछ काम नहीं था करने को, है ना। तो जस्ट उसी टाइम मेरे माइंड में एक चीज आया यार, क्यों ना यूट्यूब बनाया जाए। मेरे को पता नहीं था यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, ये पता था आता है, बट ये नहीं पता था कि कैसे आता है, राइट। तो मैंने बोला यार चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि यार चलो कि मेरे को पैसे कमाने यहाँ से। मैंने बस एवे डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था वीडियोस वगैरह बनाना, बस एवे डाल दिया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट करी थी यूट्यूब चैनल बनाना। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कुछ आपको फोटोज दिख रही होंगी कि किस तरीके से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया था। आपको देखकर हंसी भी आएगी, बट ये पास्ट है हमारा, बट कोई नहीं, स्टार्टिंग इसी तरीके से होती है, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। ओके, आपको देख के काफी अच्छा लग रहा होगा मेरी फोटोज को। ओके, तो जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे को काफी ज्यादा नॉलेज नहीं थी यूट्यूब की, किस तरीके से पैसे आते हैं, बहुत सारी चीजें, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। बोलते हैं ना, किसी भी चीज में अगर ग्रो करना तो स्टार्ट करना जरूरी है, तो जस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, स्टार्ट किया तो पहले मैंने बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, मैंने कुछ वीडियोस डालना शुरू किया। ओके, धीरे 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 मैंने थोड़ी एडिटिंग भी सीखी और वीडियोस वगैरह डाला, और ठीक एक साल के बाद मैंने देखा कुछ वीडियोस मेरे काफी ज्यादा वायरल हो गए। वो हमारे कंपनी से रिलेटेड वीडियो थी, वो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसपे आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूज है, लगभग 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुका है उसके ऊपर। ओके, सो वो वीडियो सबसे ज्यादा लोगों ने लाइक किया। ओके, जिसके वजह से मेरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चैनल ग्रो किया, 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हुआ है। ठीक है, तो जब ये ग्रो हुआ तो बीच में काफी सारी मतलब चैलेंजेस ये आया कि मैंने बीच में वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आने लग गया था, यार पता कुछ तो होता ही नहीं, यहाँ पे तो पैसे कैसे आ रहा, कुछ पता नहीं था क्या मोनोटाइजेशन होती है, कुछ कुछ एवरीथिंग कुछ भी पता नहीं था, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब करूं क्या, हमारे आसपास कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जिससे मैं जाके सजेशन लूं कि यार यूट्यूब में पैसे कैसे आते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कोई था ही नहीं, मैं पूछूं किससे, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा चलो अब यूट्यूब से सीखते हैं। तो मैं यूट्यूब पे जो भी चीजें प्रॉब्लम आती थी क्या किया, मैंने यूट्यूब पे गया, सर्च किया, उसको सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको सर्च किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, धीरे 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 करके मेरी चैनल मोनोटाइजेशन हो गया, मोनोटाइजेशन हो गया, लगभग 4,000 घंटे हो गए, 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया था, मेरा चैनल मोनोटाइज हो गया। ठीक है, धीरे धीरे मेरी पैसे बढ़ने लग गए थे, बट मुझे पता नहीं था उस पैसे को निकालना कैसे, मतलब पूरा जीरो नॉलेज थी यूट्यूब का, मेरे को ABCD तक का भी नॉलेज नहीं था, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि झारखंड बिहार में बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये सब कैसे क्या होता है, सिर्फ देखते थे लोग यूट्यूब बनाते हैं पैसे आता है इससे, बट पता नहीं था आता कैसे। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीजें कैसे सीखा, तो सारा का सारा मैंने यूट्यूब से सीखा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती थी मैंने यूट्यूब पे गया, सर्च किया, उसको सीखा और सारी चीजें करी। ठीक है, मैं जब यूट्यूब डालता था, यूट्यूब पे वीडियो डालता था, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब कि मोनोटाइज करने के लिए डॉलर मतलब उसको ऑन भी करना पड़ता है, तो मेरे को वो भी पता नहीं था कैसे, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे क्या होगा, कुछ पता नहीं था, बस मैं वीडियो डाला जा रहा, कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो धीरे धीरे सारी चीजें हुई और धीरे धीरे देखा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए,
काफी अच्छा लग रहा था, तो मैंने बीच में और वीडियोस वगैरह डालना शुरू कर दिया। डालते डालते एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे शायद मैंने किसी की वीडियो को अपने चैनल में डाल दिया था, जिसके वजह से उन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था, जिसके वजह से मेरा जो चैनल है 3 महीने के लिए बंद हो गया था, मोनेटाइजेशन बंद हो गया था बिल्कुल भी, काफी ज्यादा लॉस हुआ वहाँ पे। ठीक है, 3 महीने मैंने वेट किया, और मैं आपको बताऊँ वो 3 महीने नहीं, लगभग 5 से 6 महीने तक उस प्रोसेस में लग गया इस 2 साल में, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि अगर किसी ने स्ट्राइक किया उसको हटाए कैसे। अगर 3 महीने हो भी गया था फिर भी मेरे को पता नहीं था कि अब मैं उसको अगेन से मोनेटाइज कैसे करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा अब मेरे को छोड़ देना चाहिए, अब मेरे को यूट्यूब नहीं बनाना चाहिए, मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैंने यूट्यूब पे गया, फिर सर्च किया, देखा यार कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा, फिर मैंने देखा कि हाँ कुछ सॉल्यूशन मिला, तो फिर मैंने उसको किया। ठीक है, और मेरे को एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आई ना एड्रेस वेरिफिकेशन में। ठीक है, एक पिन आती है जिसको डालना होता है, तब जाके हमारा एड्रेस वेरीफाई होता है। वो पिन आने में मैं बताऊं आपको काफी टाइम लग गया, लगभग 6 से 8 महीने लगे, वो पिन नहीं आया। मैं परेशान हो गया, मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था यार क्या कि कैसे मेरा पिन आएगा। 2-3 बार मैंने पिन को रिसेंड किया फिर भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर मेरे को पता चला कि ईमेल के थ्रू भी हम अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं, तो मैंने वो किया। ठीक है, फिर मेरा एड्रेस वेरीफाई हो गया, फिर जाके मेरे को समझ आ गया कि हाँ अब मेरे को पैसा आ सकता है। ठीक है, तो मैं बताऊँ मेरा फर्स्ट पे आउट भी आया, और फर्स्ट पे आउट मेरा बहुत ज्यादा नहीं आया, मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल पे किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, तो देखा कि मेरा पैसे आने के लिए क्या गया? $100 होना चाहिए ना, मेरा $100 क्रॉस कर गया था। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था पैसे निकालूं कैसे, फिर मैंने उसमें अपना बैंक डिटेल्स वगैरह अपडेट किया। ठीक है, और मेरे को फिर 21 तारीख को क्या होता है ना, यूट्यूब वाले हमारे मतलब क्या होता है, जो हमारा बैंक होता है, जो हम बैंक अपडेट करते हैं उसको पैसे यूट्यूब वाला भेज देता है, और बैंक वाले क्या करते हैं 7 दिन का प्रोसेस लेते हैं हमारे अकाउंट पे पैसे को क्रेडिट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे मैसेजेस वगैरह भी आ गए थे, एक आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक मैसेज दिख रहा होगा यूट्यूब के साइट के कि यूट्यूब ने पैसे मेरे बैंक वालों को भेज दिया है और 7 से 7 दिन में हमारे अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, YouTube से तो मैसेज आ गया, काफी अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता आपको, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी वो मैसेज। ठीक है, लिटरली मेरे को बताते बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। तो मैंने देखा कि आया यार चलो अच्छी बात है, अब मुझे लगा यार पैसे आएंगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे YouTube पे ऐसे वीडियोस देखे थे यार कि जिसमें लोगों के पैसे ही नहीं आते, 15-20 दिन लग जाता है। मैंने सोचा कहीं ऐसा मेरे साथ भी तो नहीं होगा, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद ही मेरे पास एक कॉल आता है, ठीक है, बैंक की तरफ से कि आपके मतलब SBI की तरफ से मेरे पास कॉल आता है कि आपका इतने डॉलर का पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है, तो आपको कुछ चीजें फॉर्मेलिटी से वो निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक मेरे को फॉर्म भेजा, और ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये फॉर्म। उन्होंने बोला इस फॉर्म को फिल करो और मेरे को ईमेल करो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में, ठीक है, और साथ में एक पेमेंट रिसीप्ट होती है जो कि गूगल एडसेंस की तरफ से आता है वो साथ में, मतलब ये 4 चीजें जो है ना SBI वालों को, जो मेरे बैंक अकाउंट है SBI का, उसको मैंने भेजा, ईमेल किया, और लिटरली within 2 days मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। आप ये देख सकते हो ये मैसेज है, ठीक है, किस तरीके से मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुआ, अप्रोक्स 9,000 से ज्यादा रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। फर्स्ट टाइम लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगा था यार कि हाँ एक्चुअल में यूट्यूब से पैसे आते हैं, क्योंकि होता है ना जो दिखता है तभी विश्वास होता है ना, तो मेरे को भी विश्वास हुआ कि हाँ एक्चुअल में मेरे को यूट्यूब से पैसे आए हैं 9,000 रुपये। बहुत खुशी हुआ, 2 साल का मेहनत था मेरा, और 2 साल में बहुत सारी स्ट्रगल आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था मेरा लगभग 6 से 8 महीने, है ना, और मेरा बीच में स्ट्राइक भी हो गया था मेरा अकाउंट, है ना, तो जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब वगैरह बनाना छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये थी मेरी जर्नी जो कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 2 साल पहले। लिटरली बताऊं यार आप लोग भी स्टार्ट करो यूट्यूब बनाना, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं, शुरुआत में बहुत ज्यादा नहीं सोचना आपको कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं ग्रो कर पाऊंगा नहीं, बस वीडियो बनाओ और डालना शुरू कर दो, धीरे 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 आप सीख जाओगे कैसे क्या करना। मेरे को भी 0 नॉलेज थी, सब कुछ मैंने यूट्यूब से देख देख के सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, तब जाके मेरा ये फर्स्ट पे आउट आया है 9,000 रुपए का। अब देखते हैं नेक्स्ट बार कितना पे आउट आता है, क्योंकि अब मैं ज्यादा एक्टिव हो गया हूँ यूट्यूब पे, अब हमेशा वीडियोस आपको दिखेंगे यूट्यूब पे, अलग अलग कंटेंट आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आई होप आपको काफी अच्छा लगा मेरा जर्नी जान के यूट्यूब का। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे चैनल
चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और काफी अच्छी अच्छी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, लव यू ऑल कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। तो आज इस वीडियो यहीं तक मैं रख रहा हूँ और इसी में मैंने आपको लगभग लगभग सारी जर्नी बता दी अपने YouTube का क्या था। मैंने आपको सारे फोटोज वगैरह भी दिखा दिए किस तरीके से मैंने YouTube बनाना स्टार्ट किया था। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। ओके, आई होप कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करे। ओके, जिसमें आपका भी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, रहना जरूरी है मेरे लिए। ओके, सो मैं आपको बस यही सजेशन देना चाहूंगा लास्ट में कि अपनी भी चैनल स्टार्ट करो, वीडियोस डालो। ये मत सोचना कि मेरा होगा या नहीं होगा, बट स्टार्ट करो यार, हो जाती है, ठीक है। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।